ये मूंग की दाल है, ये सुबह भिंगा दिए हैं 4 बजे। अब इसके चीला बनाएंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी भिंगाए थे। धनिया डाल लिए इसमें, हरी धनिया और मिर्ची दो डाल दिए हैं, एक अंदर है, और हींग थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा ही हींग डालेंगे, अधिक नहीं, थोड़ा सा। हींग डाल लिए इसमें, अब नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये थोड़ा सा नमक डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेंगे, थोड़ा सा ही पीसेंगे, एक महीन नहीं करना है, थोड़ा सा ये कट जाए, धनिया पत्ती है, मिर्ची है, ये मिक्स हो जाए, सब मिक्स करना है सब। ये पीस लिए हैं। अब ये पीस के एक बाउल्स में रख लिए हैं। अब इसके चीला बनाएंगे, नमक मिक्स कर लिए, तवा चढ़ा दिए और ऑन कर दिए, गैस ऑन कर दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे फैला रहे हैं, ये पतले से बना रहे हैं, ये इसमें तेल पहले लगा दिए थे। अब ये पक रहा है धीरे धीरे, इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे, अधिक नहीं, थोड़ा सा तेल लगा देंगे, पक गया ये। अब इसको उलट देंगे, तेल लग गया, ये देखिए कितना अच्छा पक गया है, एकदम करारे खरे खरे लाल हो गया है और बहुत अच्छा पक गया है। ये दूसरा बना रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बना है, और ये पक रहा है धीरे धीरे। पहले सिम में इसको डालते हैं, नहीं ये इकट्ठा हो जाता है, फैलता नहीं है। तवे को धीमे आंच में पहले, और फिर थोड़ा तेज करके पकाइए, तो सिम में थोड़ा तेज करके पकाइए। अब ये देखिए कैसे उलटता है, थोड़ा सा तेल डाले थे, अधिक तेल नहीं डाले हैं। अब ये देखिए उलटाइए कैसे उलट रहा है, ये थोड़ा सा भी नहीं हुआ है, थोड़ा और हो जाएगा। अब देखिए कैसे उलट रहा है, कितना अच्छा ये उलट गया। और देखिए कैसे खराब पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, अधिक नहीं, क्योंकि तेल नुकसान करता है, अधिक तो तेल ऐसे मिल जाता है थोड़ा थोड़े सब्जी में सब में। इसको थोड़े से ही तेल में पकाएंगे, अधिक नहीं तेल, और गैस को सिम कर देंगे। तेज है, सिम हो गया गए। अब इसको धीरे धीरे ऐसे हाथ से ही घुमाएंगे, और ये उधर पक गया, अभी ये कच्चा है, अभी इधर भी पकाएंगे। ये देखिए ये भी पक गया, पक रहा है। अभी इसमें तेल लगा देंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा, अधिक नहीं लगाएंगे तेल, थोड़े से लगाएंगे। ये तेल इसमें लगा दिए, अब इसको पलट देंगे। जब उलटते नहीं है तो इसके किनारे में तेल थोड़ा सा लगाना है, किनारे में तेल लगा देंगे इनके, ये थोड़ा सा
किनारे में लगा दिया, बुलट जाएगा ये, पक गया। अब ये देखिए कैसे अच्छा से उलट रहा है ये। ये भी पक गया, देखिए कितना अच्छा पका है, करारे खरे खरे पके हैं। ये चटनी के साथ सर्व करिए, देखिए कितना अच्छा पक गया, दोनों तरफ देखिए कितने अच्छे पके हैं और खरे खरे सेके हैं। ऐसा बनाइए और बच्चों को खिलाइए, सबको खिलाइए, खाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी क्लिक करें। धन्यवाद।